अब हम करेंगे टैक्सेशन ऑफ बायबैक। ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे भी इसको भी आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये। बायबैक करते हैं यदि कोई कंपनी है ना अपने शेयर को वापस बायबैक करती है, तब क्या होता है? देखो, अब बायबैक कर रही है कंपनी शेयर्स को, तो शेयर पैसा देगी वो कंपनी, तो पैसा किसको रिसीव होगा? शेयर होल्डर्स को रिसीव होगा। बायबैक के केस में यही होता है ना, जैसे कंपनी है, कंपनी वापस से शेयर्स को बाय कर रही है, शेयर्स को खरीद रही है, यहाँ पे है ये शेयर होल्डर, ठीक है ना, ये शेयर्स को खरीद रही है, तो उसको पे करेगी, ये पे करेगी, तो रिसीव किसको हो रहा है? पैसा इसको हो रहा है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो क्या रहेगा, आपको शेयर होल्डर को मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा और कंपनी में एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन कितना? जो बायबैक प्राइस है वो, ये जो प्राइस है वो माइनस इसने जितने में वो शेयर खरीदा था, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहेगी वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और अनलिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में क्या रहेगा? वहाँ पे ना कंपनी के केस में फिर 115 QA लग जाएगा। ये क्या कहलाता है 115 QA कंपनी के केस में, कि आपका जो बायबैक प्राइस है वो, ठीक है ना, बायबैक प्राइस है वो माइनस आपका इश्यू प्राइस, जो बैलेंस आएगा उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि लाइक सपोज करो आपने जब इशू किया था, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने इशू किया था शेयर 30 रुपीज़ में, ठीक है, और मैं अब उसको बायबैक कर रही हूँ 200 रुपये में, तो जो बैलेंस रहा 170 रुपीज़, वो बैलेंस 170 रुपीज़ आपकी इनकम हो गया, ठीक है ना। तो आपको 170 रुपीज़ पे, मतलब कंपनी को यानी कि मुझे 170 रुपीज़ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी को 170 रुपीज़ पे टैक्स, और टैक्स कितने परसेंट से? 20% प्लस 12% प्लस 3% से, ठीक है, 20 प्लस 12 प्लस 3% से, ओके। और शेयर होल्डर के केस में 1034A लग जाएगा और शेयर होल्डर को ये एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर वन, मिंत्रा लिमिटेड जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज 33 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है? 33 लाख रुपये। वॉज इंक्लूडेड इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में इंक्लूडेड है। ऑन 1/8/2017 को क्या हुआ था? द कंपनी ने रिडीम इट्स रिडीमेबल बोनस प्रेफरेंस शेयर्स 9,09,000 रुपये में उसने बोनस प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, ठीक है। शेयर होल्डर होल्डिंग 10% इक्विटी शेयर, एक शेयर होल्डर है जो कि 10% इक्विटी शेयर होल्ड करके बैठा है कंपनी, मतलब इसमें 10% इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, बोरोड 3 लाख फ्रॉम द कंपनी 18% पर एनम से उसने बोरो कर रखा है। द कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड 14 लाख रुपीज़, 14 लाख कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है एट इज एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड 30/9/2017, बट द डिविडेंड रिमेन अनपेड अप टू 31/3/2018। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 115O। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? टैक्स लाइबिलिटी हमको 115O में निकालनी है। अच्छा, 115O में अगर आपको टैक्स निकालने को बोलते हैं, मतलब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उस पर निकलेगा, नेचुरल सी बात है। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? कंपनी डिविडेंड दे रही है 14 लाख का, तो 14 लाख पे निकलेगा, ठीक है। 14 लाख हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा, 14 लाख डिवाइडेड बाई 85 × 100, इसका 15% एड 12% एड 3%, तो 285,007 रुपीज़ का आपको DDT पे करना पड़ेगा 115O में। तो इसने एक तो ये पूछा, ऑल्सो गिव द रीज़न, चलो ठीक है। तो एक इतने ओनली ये बोला है कि कितना आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और बात देखो यहाँ पे ना, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अनलिस्टेड है, सबसे पहले तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो जब भी आप देखो ना अनलिस्टेड कंपनी है और बायबैक का है, तो आप उसमें क्या करोगे, शेयर होल्डर के केस में तो एग्जेम्प्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो आप कहीं पे लिख लो, यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ, शेयर होल्डर के केस में तो ये 1034A लग जाएगा, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और है ना, कंपनी के केस में जो लगेगा ना 115 QA लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब 115 QA क्या बोलता है? 115 QA ये बोलता है कि आपकी बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस आपका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक बार इसका थ्योरी पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला कि आप प्रेफरेंस बोनस शेयर को रिडीम करते हो अमाउंट टू बाय बैक ऑफ शेयर्स, देयर इज नो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 व्हेन अ कंपनी बाय बैक इट्स शेयर्स सिंस द शेयर्स आर अनलिस्टेड सेक्शन 100QA शैल बी अट्रैक्टेड एंड कंपनी शैल पे 23.0 मतलब वही 20% प्लस 12% प्लस 3% से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितनी है, 909,000 है। ठीक है, क्यों आई 909,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसने कितने में रिडीम करा, 909,000 में रिडीम करा। और है ना, अभी ये क्या बोनस शेयर्स को इसने रिडीम किया, तो बोनस शेयर के लिए तो कोई कॉस्ट होती ही नहीं है, कोई इशू प्राइस होती नहीं। यदि ये शेयर्स को रिडीम करती तब तो उसके लिए इशू प्राइस होती। हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा यही होता है ना कि आपकी बायबैक प्राइस कितनी है लेस आपकी इशू प्राइस कितनी है। मैंने आपको क्या बोला था, यही बोला था ना कि 30 रुपीज़ में मैंने इशू किया और मैं बायबैक कर रही हूँ उसको 200 में, तो मेरा बैलेंस जो रहेगा उस पर मैं 20% 12% और 3% से टैक्स पे करूँगी 115QA में, है ना। यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे इसने रिडीम किए क्या बोनस शेयर्स किए, तो बोनस शेयर्स के लिए कॉस्ट तो कुछ रहती ही नहीं है, तो सीधे ही मैं 909,000 पे 115QA लगा दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सेकंड देखिए आप, 909,000 पे मैं 15QA लगाऊंगी 115QA, तो इस पे 20% एट 12% एट 3% तो 209,724। ठीक है, 209,724 से आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, लोन गिवन टू शेयर होल्डर होल्डिंग 10% इक्विटी शेयर्स इन द एसएससी कंपनी डीम्ड टू 22E इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर द एसएससी। ये वही बोल रहा है कि जो हमने ऊपर लिखा है कि शेयर होल्डर के केस में ये एग्जेम्प्टेड रहता है। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, दाल लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी परचेज ऑन अनलिस्टेड शेयर्स इन 17 अगस्त, द कंसिडरेशन फॉर बायबैक अमाउंट टू 18 लाख रुपीस। इसने बोला कि कंसिडरेशन जो रहेगा ना बायबैक अमाउंट का वो 18 लाख रुपीस है। ठीक है, विच वॉज पेड ऑन द सेम डे द लिमिटेड हैड रिसीव 11 लाख ऑन इशू ऑफ दी शेयर 1 ईयर बैक, कंप्यूट द एडिशन इनकम टैक्स पेबल बाय द लिमिटेड, determine the interest if any payable if such or tax is paid to the credit to the central government on 7th November। ठीक है, would there be any tax implication in the hands of the shareholder। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर के केस में हमने क्या पढ़ा है, अनलिस्टेड शेयर के केस में कंपनी के केस में तो 115QA लग जाएगा। 115QA मतलब 18 लाख में बायबैक किया, इशू कितना किया था 11 लाख में, तो 18 माइनस 11 7 लाख रुपये, और उस पर 20% 12% और 3% लग जाएगा, और शेयर होल्डर के केस में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, एग्जेम्प्टेड रहेगा। अच्छा, अब इसने आगे एक क्वेश्चन तो हमारा ही हो गया, अब इसने बोला इंटरेस्ट निकालना है आपको यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 नवंबर को मतलब 7 नवंबर को कर को पे करती है तो। अच्छा, अगर वो 7 नवंबर को पे कर रही है तो फिर आपको 1% की रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 115QB अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 115QB के अंदर बताया कि आपको 1% टैक्स एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अभी कितने हुआ देखो, एक मिनट रुकिए, इसने कब पे किया, 7 नवंबर को पे किया था। ठीक है ना, और कब से लगेगा ये आप देखो, अगस्त है, 17 अगस्त को इसने मतलब लाइक परचेज किए थे, और उसके बाद में इसने बोला कि अमाउंट वाज पेड सेम डे, और उसने बायबैक कर लिया था। ठीक है, उसने बायबैक कर लिया था, तो मतलब कि अगस्त के बाद में सितंबर, तो सितंबर का पूरा महीना 1 महीना, अक्टूबर का पूरा महीना 2 महीना, और नवंबर का 7 दिन, यानी कि पार्ट ऑफ द 3rd मंथ, यानी कि हमको उसको पूरा ही मानना पड़ेगा 3 महीने, तो 3 महीना के हिसाब से लग जाएगा। तो अभी जितना आपका आप अभी जितना आपका टैक्स आएगा उस टैक्स पर 1% इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने का लग जाएगा टैक्स इंटरेस्ट मतलब। ठीक है, वुड देयर बी एनी टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो इसके अंदर शेयर होल्डर के केस में ये एग्जेम्प्टेड रहेगा, वन मतलब 10-34 लग जाएगा यहाँ पे, और एग्जेम्प्शन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।